तो दोस्तों मैं पहुंच गया, देखिए गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन बात यह है गाड़ी यहाँ से, तो दोस्तों बात यह है कि यहाँ से एक मैट्रेस ही डाला हूँ दुकान से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो दोस्तों आज थोड़ा देरी से आया हूँ मैं, क्योंकि कल गुवाहाटी से आते आते कुछ ज़्यादा ही देरी हो गया और सब कुछ ख़त्म करके सोने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया दोस्तों, इसलिए थोड़ा देरी से आया हूँ। आके जस्ट पहुँचा ही उस टाइम पे दोस्तों, अभी बैठता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ इंतज़ार में भी रहना पड़ेगा, कब तक कोई काम मिलता है, वही बात है दोस्तों, वेट तो करना ही पड़ेगा, वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कब तक मिलता है काम। One hour later. So दोस्तों फाइनली एक घंटा बैठने के बाद में काम का कॉल आ चुका है, मैं आ गया गाड़ी लेके नीचे में, सोफा दो सेट लेके जाना है अंजलि स्टैंड पे। चलिए सोफा आने दीजिए दोस्तों। A few moments later. सोफा डालना हो गया कंप्लीट, दो दो सेट है दोस्तों, तो चलिए निकलते हैं, उनका गाड़ी छूट जाएगा फिर। सामान और गाड़ी ले वाला है सुमो, सामने जो सुमो है वही है दोस्तों। फटाफट ये लोग चार आदमी उतरेंगे, मुझे पकड़ना नहीं, ये लोग भी उतरेंगे फटाफट निकलेंगे। 15 मिनट्स लेटर, तो दोस्तों फाइनली निकल गया, 15 मिनट का ऊपर ही लग गया दोस्तों। और हम लोग को ढालने में भी, चार चार आदमी को भी ढालने में बहुत ही मुश्किल हुआ, क्योंकि जगह नहीं है, सोफा जाने का लेके जाएगा वो लोग, वो भी जगह नहीं है, पास से साइड में अंदर में पूरा पार्किंग फुल है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों। चलिए चलते हैं अभी डायरेक्ट स्टैंड पे दोस्तों, जाके बैठते हैं, देखते हैं और कोई काम मिलता है कि नहीं आज। चलिए चलते हैं स्टैंड पे। तो दोस्तों फाइनली बहुत टाइम बाद में पहुंच गया, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम है दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही, बहुत टाइम लग गया दोस्तों, एक काम करके आते आते टाइम हो रहा है दो, सोचिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अभी एक काम करने में, क्योंकि अभी क्रिसमस का सीज़न है, तो इसलिए ट्रैफिक जाम कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों, कुछ उपाय भी नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, डायरेक्ट बोल नहीं सकता, अभी काम मिला है तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, वही बात है। तो चलो दोस्तों बैठते हैं जाके स्टैंड पर, देखते हैं और कोई काम मिलता है कि नहीं, दो तो बज ही चुका है, तो वेट करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कोई काम आने का साथ साथ। One hour later. और एक कॉल आ चुका है एक घंटा बैठने के बाद में, बदन वदन पूरा ठंडा हो गया दोस्तों, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि क्या बोलूँ मैं आपको, सच में दोस्तों कुछ ज़्यादा ही ठंड है। तो जाना है MB फर्नीचर में, लेकिन सामान लेके जाना का है मालूम नहीं है, जस्ट अख्तर भाई ने फ़ोन किया और बोला कि शोरूम में आने के लिए, तो जा रहा हूँ दोस्तों, लगा देता हूँ गाड़ी उधर जाके। तो दोस्तों मैंने लगा दिया MB फर्नीचर का शोरूम के पास गाड़ी, तो वो लोग लेके आ रहे हैं सामान, मैं दिखाता हूँ क्या सामान है, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है, तो देखता हूँ दोस्तों लोग लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों बात ये है कि यहाँ से एक मैट्रेस ही डाला हूँ दुकान से, और एक जो बेड है जो इसी कस्टमर का शायद ऑर्डर है, तो वो है अभी भी ट्रांसपोर्ट में, तो शायद मुझे अभी ट्रांसपोर्ट जाना पड़ेगा, उधर से ढाल के ही निकलना पड़ेगा दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, ट्रांसपोर्ट तो है, बड़ा बाज़ार में जाना पड़ेगा उस तरफ घूम के, चलिए निकलते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ट्रांसपोर्ट में, ये देखिए सामान यहाँ से अनलोड वगैरह हो रहा है, तो अख्तर भाई सामान लेके आ रहे हैं, गए वो लेके लेने के लिए, वो आने के बाद ढाल के निकलते हैं दोस्तों, जाना है मलकी में। तो दोस्तों सामान डालना हो गया कम्प्लीट, फटाफट डालना पड़ा, पार्किंग ही नहीं है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का बगल में भी पार्किंग नहीं है, दादा तो हम लोग निकल गए दोस्तों, पीछे में एक बड़ा गाड़ी आया था उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसी के लिए निकलना पड़ा फटाफट। चलिए दोस्तों चलते हैं, अभी मालकी जाना है ना अख्तर भाई, यस चलिए चलते हैं मालकी दोस्तों, लेकिन घूम के जाना पड़ेगा वही बात है, मैं आया हूँ अभी बड़ा बाजार के एरिया में जी, बस स्टैंड।
तो दोस्तों मैं पहुंच गया, देखिए गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन बात यह है, गाड़ी यहाँ से सामान उतारना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये गली से गाड़ी घुसेगा नहीं। देखिए ये गली से पैदल लेके जाना पड़ेगा अफ्तर भाई को, क्योंकि मुझे यहाँ से गाड़ी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वन वे है, यहाँ पे ज़्यादा देरी रख नहीं सकता गाड़ी। तो फटाफट उतार के मैं यहाँ से निकल जाऊँगा दोस्तों, और देखता हूँ क्या होता है। अफ्तर भाई के लिए रुकना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये बेड फिटिंग करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम ही लगेगा बस। तो देखते हैं दोस्तों, अफ्तर भाई को आने दीजिए। तो दोस्तों मैं निकल गया, लेकिन अफ्तर भाई वहीं पे है। अभी करना क्या है कुछ मालूम नहीं है, तो अफ्तर भाई मुझे कॉल करेंगे कि मुझे रुकना है ना चला जाना है, वही बात है। तो एक बार रास्ता देखिए आप दोस्तों, एक बार रास्ता का देखिए, क्या डाउन है। तो दोस्तों मैंने अफ्तर भाई को कॉल किया अभी यहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं है दोस्तों, कहीं पे गाड़ी रख नहीं सकते। तो अफ्तर भाई ने बोला थोड़ा रुकने के लिए, क्योंकि उन लोगों का भी थोड़ा काम है, तो उन लोग अफ्तर भाई को छोड़ नहीं सकेंगे पीबी में, तो मुझे रुक के लेके जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा वो बेड फिटिंग करने में, तो उनको लेके चला जाऊँगा। तो मैंने कॉल कर दिया है, वो जस्ट बेड फिटिंग करके आते होंगे, तो उनको लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। अभी वेट करते हैं, कितना टाइम लगता है वही बात है। 15 minutes later. तो दोस्तों करीब 15 मिनट बैठने के बाद में अफ्तर भाई भी आ चुके हैं। तो चलिए निकलते हैं, अभी जाते हैं पीबी दोस्तों डायरेक्ट स्टैंड पे। तो दोस्तों मैं किटिंग रोड तो पहुंच गया बहुत ही स्पीड से, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, हिलता ही नहीं है गाड़ी दोस्तों। क्या बोलो दोस्तों, सच में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, थोड़ा जाता है फिर रुकता है, थोड़ा जाता है फिर रुकता है। देखिए फिर रुक गया अभी दोस्तों, चलते हैं अभी धीरे धीरे, क्या करें, हेलीकॉप्टर तो नहीं है जो उड़ा के लेके चला जाऊँ। सीलिंग फैन लगाई दो। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ जी एस, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया दोस्तों, ट्रैफिक जाम इतना है कि क्या बोलूँ, एक जगह में 10 मिनट रुकना पड़ता है, और तो टाइम तो लगेगा ही दोस्तों। तो अभी जा रहा हूँ स्टैंड का तरफ, स्टैंड पे बैठूंगा, देखूंगा और कोई काम मिलता है कि नहीं। टाइम हो रहा है दोस्तों 6, वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब तो काम मिलना चाहिए दोस्तों, कि जस्ट 2 ही काम हुआ है, और एक मिलने से ठीक था। तो देखते हैं दोस्तों, मिलने से तो अच्छा है, नहीं मिलने से तो मालूम। 2 hours later. तो दोस्तों टाइम हो रहा है पूरा पूरी 8, 2 घंटा हो गया मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। तो सोच रहा हूँ कि एक राउंड मार के आऊँ अंदर से घुस के, शायद कोई मिल जाए काम। इधर से आके फिर से यहाँ पे बैठूंगा दोस्तों स्टैंड पे, अगर कोई मिला तो मिला, कुछ अगर नहीं मिला तो वापस डायरेक्ट घर चला जाऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बैठ के इतना ठंड लग रहा है, एक जगह में बैठने से कुछ ज़्यादा ही ठंड लगता है दोस्तों, यही बात है, कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा है मुझे। तो ये सब अभी लगा दिया चेन, देखिए। तो देखते हैं दोस्तों, नहीं मिलने से तो डायरेक्ट घर, वेट करते हैं। 1 hour later. तो दोस्तों मैं पहुंच गया घर में, और कोई काम का कॉल भी नहीं आया इसलिए, और वहाँ पे बैठते बैठते इतना ठंड है दोस्तों, लेकिन मैं टाइम से घर पे आया हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।